हे माय लवली फूडीज, वेलकम बैक टू स्नेहा गुप्ता रेसिपीज एंड वीलॉग चैनल। और आज मकर संक्रांति के इस स्पेशल डे पे मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए एक स्पेशल सा वीडियो। यस, रांची में 92.7 बिग एफएम के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था खिचड़ी कंपटीशन, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। एंड यस, यहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट ने एक से बढ़कर एक खिचड़ी प्रेजेंट किया। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन थी सभी की, और आप देख सकते हो वीडियो में। मैं वीडियो अच्छे से ले नहीं पाई हूँ, बट स्टिल मैं मैनेज किया। मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ कि हमारी खिचड़ी को क्या पोजीशन मिला। इस कॉन्टेस्ट में हमारी खिचड़ी को वन बाय वन टेस्ट किया गया और उसके प्रेजेंटेशन पे मार्क्स दिए गए। खिचड़ी की यूनिकनेस के बारे में हमें बताना था। थी तो यस, हमारे बिना दाल की खिचड़ी, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल के रखा है, इस खिचड़ी को मैं बना करके ले गई थी विथ चोखा, बैगन का चोखा, आलू का चोखा एंड टमाटर की मीठी चटनी, जिसका रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और उसे मिला है सेकेंड रनर अप का प्राइज़। यस गाइस, मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ बिग एफएम के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना अपॉर्चुनिटी दिया। गाइस, ये सब हमें पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। इस तरह की कोई कॉन्टेस्ट होती है तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें, इससे हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ती है, साथ ही हमें अप्रिशिएशन भी मिलती है। तो आपको भी आपने अगर उस रेसिपी को अभी तक चेक नहीं किया है तो प्लीज़ चेक इट आउट, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। आप भी ट्राई करें बिना दाल की स्पेशल खिचड़ी को, सभी को बहुत आने वाला है, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ। और प्लीज अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके भेजे, साथ ही मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूले, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए। तो आई होप आपको मेरा आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो। इसमें किसी भी तरह की कोई रेसिपी मैं लेके आज नहीं आई थी, मैं बस अपनी एक हैप्पीनेस थी जो मेरे अंदर, वो हैप्पीनेस थी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंटरेस्टिंग रेसिपीज एंड व्लॉग्स के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी न्यू ईयर।